35 साल उनको आपने मौका दिया, हमको एक साल का मौका दीजिए। हमारी न सरकार बनती है न बिगड़ती है, लेकिन साल भर में हम क्या कर सकते हैं? जो 35 साल में वो नहीं किया, हम एक साल में करके दिखाएंगे, और नहीं तो अगला बार वोट मांगने नहीं आएंगे। इतना ही सर, नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, आज मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जुड़े हुए। सर, नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं, मनोरमा देवी इस बार चुनावी मैदान में है, क्या 35 साल बनाम 10 साल मौका मांग रहे हैं, या क्या स्ट्रेटजी लेकर जनता के साथ आए हैं? सर, हम लोग तो वोट मांगते हैं। नीतीश जी ने जैसे बिहार को बदला है, ये मगध का इलाका, क्योंकि हम बगल के हैं, खिजासराय के हैं, मगध का इलाका तो पूरी तरह से नक्सलवाद और जातीय उन्माद में फंसा हुआ था ना। माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देके सब चीज़ को ख़त्म किया, लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा। बिहार अब है कि तब भी यहाँ की जनता ने अभी तक हमारे NDA को अपना प्यार आशीर्वाद नहीं दिया। हम तो कह रहे हैं कि 35 साल उनको आपने मौका दिया, हमको एक साल का मौका दीजिए। हमारी न सरकार बनती है न बिगड़ती है, लेकिन साल भर में हम क्या कर सकते हैं? जो 35 साल में वो नहीं किया, हम एक साल में करके दिखाएंगे, और नहीं तो अगला बार वोट मांगने नहीं आएंगे। इतना ही तो हम कह रहे हैं कि इस बार बदलाव करिए, इस बार मनोरमा जी को जिताइए। महिला हैं, उनके पति भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उन मृत्यु हो गई, विधवा हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक साल का मौका हमको दीजिए। एक साल में अगर बदलाव नहीं दिखेगा, बदलाव का प्रयास नहीं दिखेगा, हमारा विकास के लिए हमारा एफर्ट नहीं दिखेगा पार्टी का, हमारे उम्मीदवार का, तो हमको अगली बार फिर नहीं जिताइएगा। हम तो एक साल के लिए वोट मांग रहे हैं। सर, 35 साल का जो सूखा है, JDU की तरफ से लगातार कहे जा रहे हैं कि यहाँ 35 साल से कभी आज तक JDU उम्मीदवार जीता नहीं है, इस बार क्या सर सोच क्या होगी, नीति क्या है? जनता का भाव और जनता का प्यार देखने से लग रहा है कि जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। अब है क्या कि जब मछली मराता है तो उसको संहार करके घर लाया जाता है, तो अब संहार के घर लाने की तैयारी हो रही है। सर, श्रीपुर में जहाँ रोड की समस्या है, जनता आपसे शिकायत करें कि क्या करेंगे? रास्ता चुनाव के बाद सब व्यवस्था करेंगे पूरा।